Hello and a warm welcome to another edition of To The Point. The jury is still out on the results of the recently held by polls in four states, whether at all it has been a referendum on Modi's popularity. But the biggest talking point is the emergence of the Mandal forces, especially parties like RJD. Joining me now is a veteran RJD leader, Raghuvansh Prasad Singh. Welcome, sir, on To The Point. Raghuvanshi, did you really expect this kind of a result for the by polls? देश भर में खास करके बिहार में ज़्यादा सीटों पर 10 सीटों पर उपचुनाव हुआ जी। उसमें ये जो देश भर में ढिढोरा पीटा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की बड़े पॉपुलरिटी हो गई और एक तरफा वोट हो गया, ये गलत है। हिसाब समझना चाहिए, 31% वोट हुआ उनको और 282 सीटें प्राप्त हुई। मायावती जी को 20% वोट हुआ और शून्य सीट प्राप्त हुई। इसलिए वोटों का बिखराव हुआ, इस कारण से उनकी जीत हो गई। सेकुलर वोट बट गए जहाँ तहाँ। अब बिहार का खास करके मैं बताता हूँ, जैसे उत्तराखंड में उपचुनाव हुआ तो सभी सीटों पर हार हो गई उनकी, कांग्रेस की जीत हो गई। कर्नाटक में 2 सीटें कांग्रेस ने जीती है, एक सीट बीजेपी। तो ये जो बाईपोल्स की जो जीत है, ये क्या इस तरफ कोई इशारा करती है कि जितनी भी एंटी मोदी फोर्सेस हैं अब उनके साथ एकजुट होने का टाइम हो गया है? एकदम, ये यही सिग्नल है। लोग जो महसूस कर रहा है देश का ठगा जैसा, धोखा जैसे खा गए हों, उसका सुधार का मौका है। ये देर बताया ये उपचुनाव का रिजल्ट, नहीं तो उसमें तो अभी तो प्रचार उनका चलिए ना। रघुवंश जी, आप ही की बिहार की जनता थी जिसने 31 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाई थी और कुछ ही महीने 3 महीनों में ही उस वोटर का माइंडसेट कैसे चेंज हो गया? बट गया, जेडीयू और कांग्रेस और इधर आरजेडी सब में वोट बट गया और वो जीत हो गई उनकी। तो जो ये गठबंधन वोटों का जो परसेंटेज है उसको देखने से तो साफ मामला क्लियर बुझा रहा है। नहीं, लेकिन ये जो ग्रैंड अलायंस था आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू का, उसने ऐसी क्या घुट्टी पिला दी वोटरों को कि उन्होंने आपके लिए वोट किया इसमें बाय पोल? उसके 2 कारण हैं जी। एक कारण नंबर 1 कि इनकी जो सब्जवाग और सपना दिखाए थे उस पर सेटबैक हुआ है, जनता को धक्का लगा है। महंगाई, भ्रष्टाचार, सभी कुछ, कोई इनका लक्षण, इनकी शुरुआत ठीक नहीं। लेकिन ये तो नेशनल इश्यूज है सर। नहीं, 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 नेशनल इशू है, लेकिन इसका असर महंगाई के नेशनल इशू केवल है। महंगाई से गरीब आदमी तबाह होता, तो ये जो नरेंद्र मोदी का सपना हो गया देश को, मैं महंगाई बढ़ी तहाँ बढ़ी उसको हम कम कर देंगे, भ्रष्टाचार बढ़ा तहाँ बढ़ा इसको हम समाप्त कर देंगे, सब देश को अच्छे दिन आ जाएंगे, ये सभी जो सब सपना दिखाया गया उस पर उन लोग उस वोट उधर हुए बहुसंख्यक। लेकिन रघुवंश जी, जो सबसे बड़ा सवाल इस समय लोग पूछ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक मजबूरी के कारण मोदी का जो पूरा वेव था उसको चेक में रखने के लिए ये एंटी मोदी फोर्सेस अब आई हैं। तो आपकी भी मजबूरियां थी जिसकी वजह से आपने अपने दुश्मनों से हाथ मिलाया, तो इस तरीके के गठबंधन की लॉन्जिविटी क्या है? क्या गारंटी है कि आपका गठबंधन टूटेगा नहीं असेंबली इलेक्शन से पहले? नहीं, वो तो चूंकि श्री नीतीश कुमार बीजेपी से तालमेल में थे जी और वो उधर से हटे। हाँ। तो जब हटे कम्युनल ग्राउंड पर, लेकिन वही नीतीश कुमार, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि वो वापस बीजेपी के साथ मिल जाए? अब वो ऐसी स्थिति नहीं है, चूंकि परिती श्योरिटी से आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, श्योरिटी राजनीति में कोई कुछ नहीं कर सकता। श्री राम विलास पासवान हम लोग के साथ कूद रहे थे और नरेंद्र मोदी को जाकर पाकिस्तान में कहाए नवाज शरीफ को जो हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं और आदि आदि, तुरंत मिल गया, जयगान कर रहे हैं। तो इसलिए राजनीति में अभी क्या, खास करके जब गिरावट बहुत हो गई है तो इधर से उधर में कोई नहीं है। लेकिन अभी जो ये जो एक ही फोर्स 2 जगह बट जाता था, वो एकजुट हो गया तो रिजल्ट आ गया। लेकिन मोदी जी का जो एक नारा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये बाईपोल्स ने थोड़ा सा इस होप को पंक्चर किया है, जो पूरा जो एक गुब्बारा बनाया गया था होप का, वो पंक्चर हुआ है। तो क्या अच्छे दिन अब मोदी जी के शुरू हुए हैं या अच्छे दिन आपके लिए जो नीतीश और लालू जी का जो कंबाइन है? लोगों का भ्रम टूटा है, लोग जो भ्रम में पड़ गए थे, लोग को नौजवान खास करके बूझे जो बेरोजगारी हट जाएगी,
गरीब आदमी बूझे से हमारा अच्छा हो जाएगा, कह दिया जे चाय पीने वाले का घर का आदमी आ गया वो प्रधानमंत्री होगा तो गरीब का भला हो जाएगा, लेकिन इनका जो बजट हुआ, इनका जो भाषण हुआ, इन पोस्ट प्राप्त प्रधानमंत्री बनने के बाद इनका जो काम हुआ, इससे लोगों का भ्रम अब टूट रहा है। लेकिन बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस इसलिए डिफरेंट था क्योंकि लोकल इश्यूज़ पे वहाँ पर ये इलेक्शंस लड़ा गया, तो उसका इम्पैक्ट नेशनली बहुत ज़्यादा देखने में नहीं मिलेगा। नेशनली तो देख रहे हैं, हम कर्नाटक में देख रहे हैं, उत्तराखंड में तो सब सीट जीत गए थे और फिर वहाँ सब सीट हार गए, फिर उसी तरह से बिहार में साधारण जीत उनकी हुई, लेकिन जहाँ जहाँ से जीते थे क्या स्थिति हो गई, फिर मध्य प्रदेश में तो उसका बढ़िया था, वहाँ भी उनकी एक सीट छीनी गई कांग्रेस से। तो इसलिए देश पैमाने पर जो उपचुनाव है कमोबेश देश पैमाने पर ये साबित अब होने लगा है कि अब जो अच्छे दिन का भ्रम फैलाया गया था और देश को तरक्की के रास्ते में हम ले जाएंगे, गरीब का भला कर देंगे, हमको कुछ दिन का मौका दीजिए, तो शुरुआत लोगों ने देख करके निराशा हुई है, चूँकि महंगाई में कोई ब्रेक नहीं लगा सके, महंगाई बढ़ी रही है, भ्रष्टाचार का इन्होंने कुछ नहीं किया। रघुवंश जी, जब मोदी जी की जीत हुई 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो उस समय सब ने ये बात कही थी कि कास्ट पॉलिटिक्स का अब इस देश से खात्मा हो चुका है, बिल्कुल इट इज़ द एंड ऑफ कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स इन इंडिया, पीपल आर प्योरली लुकिंग फॉर डिवेलपमेंट। आपको लग रहा है कि ये एक क्या सही शुरुआत है, फिर से हम कास्ट को, कास्ट की उधेड़बुन में पार्टीज लग गई हैं और रीजनल पार्टीज अपना पूरा एरिथमेटिक जो उनका फ्रंटल एरिथमेटिक है इज टोटली बेस्ड ऑन कास्ट एंड दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। कास्ट में देखा गया है कि जो पिछड़ी जाति और दबी हुई जातियां हैं वही गरीब है, तो चूंकि कास्ट और क्लास हिंदुस्तान में एक ही हो जाता है कमोबेश, कास्ट और क्लास एक हो जाता है, तो इसलिए कुछ लोग कास्ट के तरफ देखने लगते हैं, कुछ लोग क्लास के तरफ से भाई हम गरीब का भला करेंगे, कुछ लोग कहा कि नहीं हम जो वंचित वर्ग है पिछड़ी जाति अनुसूचित जातियां हैं उसको भला, लोग तो अपना बोलने में है, लेकिन हिंदुस्तान में यह बड़ा भारी संयोग है जो भी कहा जाए कि कास्ट और क्लास मिल जा रहा है, जो डाउन ट्रोडन है वही। तो आप जिस तरीके का इशारा कर रहे हैं कि कास्ट और क्लास एक जैसा है, बाइपोल्स इन्हीं चार स्टेट्स में तो नहीं है और स्टेट्स में भी होगा, इसी तरीके का एक मॉडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश होगी आपकी पार्टी की तरफ से, यूपी और वेस्ट बंगाल में देखा गया है कि जो दुश्मन थे वो सारे एक हो गए, वेस्ट बंगाल में भी बात हो रही है कि शायद तृणमूल लेफ्ट के साथ आ जाएगा मोदी वेव को काउंटर करने के लिए। तो स्वाभाविक है ना जी, ये तो नेचुरल है, कभी भी होता। श्रीमती गांधी जब उस समय थी और इमरजेंसी हुई थी, बट आपको चार पार्टियां, आपकी पार्टी जनसंघ भी, आपकी पार्टी के ऊपर लोग ये भी एलिगेशन लगाएंगे कि वो अपॉर्चुनिज्म है, आपने अपने मतलब के लिए लोगों से हाथ मिलाया और जब मतलब खत्म हो जाएगा तो आप हाथ खींच लोगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़े है, जैसे कम्युनलिज्म तो हमारा टारगेट सबसे पहले है कि नहीं, कम्युनलिज्म से तो हम हाथ नहीं मिला सकते, और इधर ये कम्युनलिज्म से तो नीतीश कुमार उधर चले गए थे, वो तो हमारे साथ थे, मूल विचारधारा में कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ, मतलब कहा जाए कमंडल के खिलाफ मंडल बट गया था दो जगह, तो इसलिए मंडल पछड़ गए थे, अब मंडल एकजुट हो जाएंगे तो कमंडल। आपको लग रहा है कि कमंडल वर्सेस मंडल की पॉलिटिक्स में कमंडल इतनी जल्दी अपने हाथ खड़े कर देगा? ऑब्वियसली वो और कम्युनल वायलेंस और ये सब चीजों की कोशिश करेगा कि वोट पोलराइज हो रहा है, यही ना खतरा है देश के सामने। जब तो आप कैसे एकजुट होंगे इस बड़ी ताकत के खिलाफ? ना ना ना, जब मंडल उसमें से एकजुट हो जाएगा तो कमंडल का जवाब मंडल पर्याप्त है, जब मंडल गड़बड़ाता है तब कमंडल आगे जाता है, तो इसलिए चूंकि जब से उनकी हुकूमत हुई है सांप्रदायिकता बढ़ी है, दंगे बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में देख लिया जाए और अन्य जगह है, या उनके लोगों का उच्चारण कॉमन सिविल कोड कोई बोल रहा था अब बोलने लगा, उनका एक मंत्री बोला, उनका एक मंत्री बोला धारा 370, इसलिए जितनी भी जो चीज़ें अछूत करके छोड़ दी गई थी से रे भाई नहीं चलेगा ज़्यादा कट्टरपंथ, फिर राम मंदिर बोल रहे हैं फिर, तो इस तरह से जो उनका कम्युनल एजेंडा था उसका सुगबुगाहट हो गई। लेकिन रघुवंश जी, एक चीज़ जो देखने में आई थी, मोदी की इलेक्शन का श्रेय बहुत ज़्यादा कुछ आरएसएस को भी जाता है, क्योंकि आरएसएस के जो कार्डर्स थे वो एकजुट हो गए थे बूथ लेवल पर, छोटे छोटे लेवल्स पे उन्होंने लड़ना शुरू किया था, वही आरएसएस को प्राइमेसी मिली है अब बीजेपी के
पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में भी आज कितने सारे हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे गुचल, सब भाई उसमें राज्यपाल बन जाएगा। कई भाई का नाम देखा है राज्यपाल, नहीं तो वही आरएसएस, आरएसएस वाले लोग। बट आरएसएस की जो ये फोर्स है, आप इसको काउंटर कैसे करोगे आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए, क्योंकि वो तो फिर से पावरफुल हो जाएंगे, फिर से वही काम करेंगे। तो वर्करी ना करेंगे, लेकिन मास जब एकजुट हो जाता है तो वर्करी नहीं चला करता। ओ जब मास एकजुट हो जाएगा, मास जागरूक हो जाएगा, मास समझ जाएगा चले भाई देश का खतरा है तो एक। लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है क्योंकि 2015 में ही असेंबली इलेक्शंस होने हैं। बट रघुवंश जी, आई लव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, व्हेन वी रिटर्न वी टॉक अबाउट द कंसोलिडेशन ऑफ द मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, बैक इन अ मोमेंट। Welcome back. You're watching To The Point with RJD leader Raghuvansh Prasad Singh. Raghuvansh ji, Muslim Yadav jo combination tha, jo jiski baat bahut dinon se chal rahi hai, us vote ka jo consolidation hai, wo is bipol mein kaise dekha gaya hai? Kya sabhi tarah ke log aur sabhi tarah ka samarthan hum log ko mila hai? Chhapada dekha jaye, Chhapada. Wahan Srimati Rabri Devi khadi thi 40,000 se Chhapada mein down. Aur wahan hume 21,000 se jeete. ये कई हजार से वो कंडीशन सेम है। मतलब इधर श्री प्रभुनाथ सिंह का लड़का था आ उधर ये थे बीजेपी के वो उनका उम्मीदवार। लेकिन इस कंसोलिडेशन में उसी तरह से रामानंद सिंह जीते खगड़िया में है पर्वत्ता जिला असेंबली, विजय कुमार मिश्र का लड़का जीता ऋषि मिश्र जी। लेकिन इस पूरे कॉम्बिनेशन भागलपुर हम जीते भागलपुर। रघुवंश जी, लेकिन इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो मुस्लिम कैंडिडेट से उनकी जीत नहीं हो पाई, जैसे फखरुद्दीन जी हैं, अंसारी जी हैं ऑफ आरजेडी फ्रॉम बंका, हाँ। लोग अभी भी जो एनालिस्ट हैं जो इसको एनालाइज कर रहे हैं बाईपोल्स को कि इसका बहुत ज़्यादा नेशनल इम्पैक्ट होगा, वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस में इस पूरे गठबंधन जो एकजुट हुआ था उसके अलावा बहुत ज़्यादा सेक्टेरियन पोलराइजेशन अभी भी देखा गया है क्योंकि मुस्लिम्स की जीत ही नहीं हुई। हाँ तो उसमें मुस्लिम करके नहीं देखा जाए वहाँ, नहीं क्यों ना देखा जाए, नहीं इसलिए क्योंकि नरकटियागंज, लेकिन मुस्लिम्स को तो अभी भी मार्जिनलाइज कर रहे हैं पॉलिटिकल एज अ पॉलिटिकल फोर्स। पहले से रश्मि वर्मा थी जदयू में, रश्मि वर्मा को इधर से वंचित कर दिया गया, वो चली गई सीट कांग्रेस को, उसका टिकट नहीं होने से वो चली गई बीजेपी में, वो जीती कैंडिडेट पर वहाँ वो चला गया। यहाँ रश्मि वर्मा ज़्यादा पॉपुलर वहाँ थी, उसको यदि हम लोग टिकट दिए होते या जदयू लड़ा होता तो जदयू का जीत होती, स्थानीय कारण से वहाँ कांग्रेस पिछड़ गए। और फिर मोहनिया, उसी तरह से मोहनिया में कौन उम्मीदवार हुआ तो उम्मीदवार के वजह से, और बांका में तो हमारा 500 की 600 से गड़बड़ाया है, 500-600 वोट से कम मने वो इधर उधर हुआ है मिसमैनेजमेंट के चलते, नहीं तो जो सीटें जीत। लेकिन जब आप मिसमैनेजमेंट कहते हैं तो किस तरीके के मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? क्योंकि कल शरद यादव जी ने भी बोला था कि नहीं हमने उम्मीद बहुत ज्यादा लगाई थी, उम्मीद के हिसाब से खरे नहीं उतरे हैं। जैसे हाजीपुर सीट हमारी हारने वाली है, लेकिन हाजीपुर हम हार गए हैं। हाजीपुर सीट किसी हालत में हमको हारने वाली नहीं थी, तो वही वहाँ पे कैसा मिसमैनेजमेंट आपने देखा? मिसमैनेजमेंट जैसे वो वहाँ एमएलए जिनको टिकट दिया गया वो दो बार एमएलए रह चुके थे, लोगों में उनका आकर्षण नहीं था, नाराजगी बहुत थी। इस कारण यदि पॉपुलर उम्मीदवार देव कुमार चौरसिया है उसको दिए होते वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया, अब इंडिपेंडेंट खड़ा होगा वोट काटा। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो ये जो एक ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, एक मोदी की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है जिसमें वो एक मतलब एक नाव में वो दो नाव में दो पैर रखकर चल रहे हैं, एक तरफ वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ रेडिकल एजेंडा है जो आरएसएस का है उसके ऊपर भी उनको ध्यान देना है, तो इस पूरी जो पॉलिटिकल मैप है इसमें आप जैसी पार्टीज आरजेडी जेडीयू कांग्रेस ये कैसे फिट कराएंगी, कैसे कन्विंस करेंगी इलेक्टेड को कि आपकी पार्टी को वोट करना चाहिए? डेवलपमेंट में जितना ऊंचा और जितनी बड़ी बड़ी बातें और जितने बड़े सपने उन्होंने दिखाए वो नहीं कर पाएंगे, तो उनको लाचारी कोई उपाय नहीं है। कम्युनल एजेंडा के भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने बजट में बहुत ज्यादा कुछ बिहार को नहीं दिया, मे बी कुछ स्पेशल स्टेटस। देश में गरीब को क्या दिया बजट में? तो 5,00,000 करोड़ पूंजीपति का लाभ हो गया। क्या ये कारण है कि बिहार को कुछ मिला नहीं? शायद जनता का आक्रोश इसलिए था। ये भी कारण है, उन्होंने कहा था 12 तारीख 16 को रिजल्ट होगा,
20 तारीख को विशेष राज्य का दर्जा दे दूंगा, भीख मत मांगो, ये सभी बयान का बिहार की जनता तक कंसस है ना, याद रखी हुई है। कहा जे ये बोल कर गया है, अब कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं दिया, बिहार की उपेक्षा हो गई। तो आप बिल्कुल होपफुल है कि जो 2015 के जो असेंबली चुनाव होगा उसमें आपका गठबंधन तब तक रहेगा और आप देश की जनता को बता सकोगे कि हम मोदी के खिलाफ राज बनेगा 2015 में, हम लोग के गठबंधन का राज बहुमत में लोग आएंगे। लेकिन यही गठबंधन रहेगा या और पार्टी इसको भी शामिल करेंगे? नहीं, और पार्टी महागठबंधन तो नाम ने लोग रख दिया, अभी महागठबंधन हुआ नहीं है, गठबंधन है। गठबंधन को महागठबंधन बनाने के लिए आपको मायावती, लाल मुलायम जी ऐसी पार्टीज का भी जरूरत पड़ेगा, तो वो आप कैसे उनको करोगे? आपने उनसे बातचीत शुरू किया? एक पक्ष तो तैयार है, दूसरा पक्ष में आनाकानी है। तो जब नीतीश कुमार और बाबू लालू प्रसाद मिल सकते, एक हो सकते, तो माया और मुलायम भी एक हो सकते। और कभी पहले नहीं हुए हैं क्या? लेकिन मायावती ने बहुत सारी शर्तें, मायावती ने तो बहुत सारी शर्तें भी रखी थी, और मायावती का नेचर जानते हुए आपको लग रहा है कि ये इतना आसान होगा? परिस्थिति, क्योंकि देखिए जो लालू जी और नीतीश जी ने अपनी ईगोज को शेड किया और वो आए क्योंकि उनकी मजबूरी थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो मॉडल रेप्लिकेट होगा? 20% वोट पाकर के वहाँ 1% वोट मिला है अपना दल को, 2 सीटें, 2% वोट के 6 सीट, और इनको 20% वोट, 1 सीट भी नहीं। तो इसलिए हिसाब जोड़ते जोड़ते रैंक एंड फाइल कार्यकर्ता, जनता का दबाव होता है तो नेता लोग ठीक रास्ता पकड़ लेता, नीचे से कार्यकर्ता लोग भिड़ेगा से नहीं भाई एकजुट हो, वोटों के बिखराव से हम लोग वोटों का बिखराव तो ठीक है, लेकिन जो इस तरीके का फ्रंटल अलायंस जो एक बनता है वो कई बार देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा चलता नहीं है, और सबसे बड़ा डर इसी बात का होता है। नहीं, उसके लिए हम लोग सावधानी बरतेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, नेशनल एजेंडा होगा, स्टेट का अलग होगा, नेशनल अलग होगा, लेकिन सबके एम्बिशंस भी होंगे, कोई कहेगा मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, कोई बोलेगा मैं चीफ मिनिस्टर, जिनका जो जैसा समर्थन है ऐसा तो पहले भी हो चुका है जी। लेकिन क्योंकि अलायंस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है, अलायंस पॉलिटिक्स का काम अच्छा किया है, बाकी काम खराब नहीं उनका हुआ है, कम ही दिन, मान लिया हम कम ही दिन रहे अच्छा करें, हम बहुत दिन रहे और काम खराब कर दें, इसलिए उसमें जैसे वो तो यूपीए वन भी तो अलायंस था, लेकिन उसमें वामपंथी लोग खड़ा था, तो कोई गड़बड़ बता दे यूपीए वन में कोई उंगली नहीं उठ सकती, यूपीए टू में वो वॉच डॉग हट गया और ये लोग का बहुमत ज्यादा हो गया। लेकिन नेशनल सीन पे आने के लिए जो अब अगला लोकसभा का चुनाव होगा 2019 में, आपको लग रहा है कि ये इस तरीके का जो एंटी मोदी फोर्सेस हैं जो एकजुट होने की बात कर रही हैं, बिकॉज ये परसेप्शन माना जा रहा है और लोगों ने बोला है इस चीज़ को कि मोदी इज हियर टू स्टे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और जिस तरीके का वो कॉन्फिडेंस जता रहे हैं, तो यह हिंदुस्तान है, ये कोई भी जो वोट हुआ उस समय की बात है, लेकिन वोट होने के बाद अभी 3 महीना करीब बीता है, 3 महीने में जब इनकी ये हालत हो गई तो ये 5 बरिस भी नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस 3 महीने में तो उन्होंने अपने पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया, पोर्टफोलियोज डिसाइड किए, मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट की बातें कही हैं। शुरुआत मैं कह रहा हूँ, शुरुआत इनकी कोई एक काम बताए जो शुरुआत अच्छी हो सकती, जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, एक कोई निर्पेन मनचाहा अफसर को बहाल करने के लिए ऑर्डिनेंस करके कानून बदल करके इन्होंने रखा, फिर अपने सभी मंत्रियों को 5-6 मंत्री जो इम्पोर्टेंट ताकतवर लोग कहते थे उनका मनचाहा पीएस नहीं रखने दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी अभी हाल में भड़क दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो बहुत ज्यादा डिक्टेटोरियल और ऑटोक्रेटिक है? तब क्या, तब उनका अपनी ही पार्टी में विद्रोह होगा, जितने बूढ़ों को उन्होंने संत किया है। हाँ। ये आपका इशारा मुरली मनोहर जोशी और एलके अडवाणी से, अडवाणी जी टंडन, लाल नारायण टंडन जी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी आती है जब आप यंग लोगों को लेके आओगे, यंग ब्लड को लेके आओगे, तो वो ज्यादा, भगवान बुद्ध ने कहा था आज से 2500 वर्ष पहले, जिस समाज में बूढ़ों की इज्जत नहीं होगी, बूढ़ों का कहा लोग नहीं मानेंगे, वो समाज नीचे जाएगा, जिस समाज में बूढ़ों की इज्जत होगी वह समाज तरक्की करेगा, ये भगवान बुद्ध का वचन है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए उन जो जिस समाज में बूढ़ों की इज्जत नहीं होगी उसको ऐसी टरका देगा लोग, उस समाज अच्छा नहीं कहा जाएगा और उस समाज ठीक नहीं चलेगा, पुराना भगवान बुद्ध का वचन है। तो इसलिए ये उनकी जो कार्यशैली है, जैसे
अब प्लानिंग कमीशन उसको स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं। हाँ तो खत्म प्लानिंग कमीशन, तो 15 अगस्त के लाल किला से बोल दीजिए खत्म, तो बनेगा क्या? अब कहते हैं विचार कर रहे हैं। जिस विनाश के पीछे निर्माण नहीं होता है अधिक विनाशकारी सिद्ध होता है। अब इनको समझे नहीं है से क्या करें, तो अब लोग से राय मांग रहे हैं, जनता से, लोगों से, तो लोगों से बंद वो प्लानिंग कमीशन खत्म किया जाए कि नहीं, क्यों नहीं राय आपने मांगी है? खत्म करने में नहीं, अब बनाने में, अब इनको बुझा नहीं रहा है, तो अब विद्वान जन के जुटा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए जो ये बायपोल्स जो अभी जो जिनका रिजल्ट सामने आया है 4 स्टेट्स में, इसका नेशनली क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आप तो एक बहुत सीनियर लीडर हैं। नेशनली इम्पैक्ट इसका यही है कि यह चुनाव परिणाम से देश भर में संदेश चला गया कि वो माने अपराजेय नहीं है नरेंद्र मोदी और बीजेपी, उन्हें हराया जा सकता है यदि वोट एकजुट हो जाए, कार्यक्रम बन जाए और नीति के हिसाब से देश का एजेंडा बन जाए, प्रदेश का एजेंडा बन जाए, तो उनको हराया जा सकता। लेकिन एक और मैसेज भी तो है, जो लालटेन जो बुझ गई थी वो फिर से जल गई। ये तो जनता का है, हमारा वोट परसेंटेज थोड़े घटा था, वोटों का बिखराव हुआ, इस कारण से हार हुई, कोई उनका ये नहीं, उनका कहाँ वोट लोग करे। 31% वोट देश भर में और इतना भारी बहुमत, और कुछ अहंकार भी हो गया है लोगों में, देखा दंभ बहुत हो गया, तो इस दंभ तो चलता नहीं, तो इसलिए उनका कार्यक्रम नीति बताएं, गरीबोन्मुखी नहीं, ग्रामोन्मुखी भी नहीं, सुनते हैं गरीब वाली योजना सब में कटौती, किसानों का भी बुरा हाल है, तो इसलिए चलिए। तो ये सारी चीज़ों को जो आप बोल रहे हैं, उम्मीद है कि आरजेडी अगर हेलम ऑफ अफेयर्स पे रहेगी तो आरजेडी उसको लोगों को पूरा करके दिखाएगी। रघुवंश जी, हमारे पास समय बहुत कम है। आरजेडी का व्यापक अब देश भर में हम सभी नेता, जितना सेकुलर पार्टी के नेता हैं, सभी के यहाँ प्रार्थना जाकर करेंगे, सभी लोग एकजुट होइए। लेकिन एक चीज और आपको करनी है, सड़क पर 31% गद्दी में, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, मुलायम और मायावती जी को मनाना है। मनाना है उनको, जरूर मनाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे, सब लोग से आग्रह करेंगे, एक साथ लोग रहे हुए हैं, कोई ऐसा थोड़े है। चलिए अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आप कैसे मायावती और मुलायम जी को मनाते हैं। हमारे पास समय बहुत कम है रघुवंश जी, और आपको भी जाना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू द पॉइंट। जनता का दबाव है, कार्यकर्ता का दबाव। चलिए, जनता तो अपना निर्देश ऑलरेडी दे चुकी है बायपोल्स में, तो चलिए समय बहुत कम है रघुवंश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू द पॉइंट। So that was RJD leader Raghuvansh Prasad Singh. See you next time on another episode. Goodbye and thanks for watching.